सो हेलो दोस्तों, इस तरीके की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लाइट रूम वाले एप्लीकेशन में एंटर हो जाना है। तो यहाँ से आपका जो भी फ़ोटो हो आप वो लाइट रूम वाला एप्लीकेशन में ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद से आपको पूरा प्रोसेस लाइट रूम के अंदर ही करना है। जो भी कुछ एडिट करना है वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से हम लोग एडिट करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ से एडिट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ से ऑटो पे इसे क्लिक कर देना है। इस तरीके से करने के बाद से आपको नीचे की साइड में यहाँ से लाइट का ऑप्शन दे रहा है, तो लाइट वाला ऑप्शन में आ जाइएगा। लाइट वाला ऑप्शन में आने के बाद से इस वाले ऑप्शन पे आइएगा। यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। आने के बाद से कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ से चार कलर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले कलर पर आ जाते हैं। फर्स्ट वाले कलर पर आने के बाद से यहाँ से इसे इतना पर रखेंगे और इसे हल्का सा डाउन कर देंगे इतना पे। उसके बाद से यहाँ से इसे हम लोग थोड़ा यहाँ से प्लस में कर लेंगे। उसके बाद से दूसरे नंबर कलर पे आएंगे। दूसरे नंबर कलर पे आने के बाद से यहाँ से हल्का सा हम लोग इसे भी डाउन कर देंगे और इसे हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे इतना पे। इतना पे करने के बाद से गाइज हमको तीसरे नंबर कलर पे आना है। तीसरे नंबर कलर पे आने के बाद से हमको करना क्या है, यहाँ से हल्का सा इतना पे कर देंगे और इसे हम लोग हल्का सा इतना पे कर लेंगे और इसे हल्का सा हम लोग डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से प्लस में, और इसे हम लोग कुछ इतना पे कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपनी फ़ोटो को। उसके बाद से चौथे नंबर कलर पे आएंगे। चौथे नंबर कलर पे आने के बाद से यहाँ से इसे हम लोग डाउन कर देंगे इतना इतना डाउन कर लेंगे और इसे हम लोग इतना प्लस में कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद से आपको यहाँ से कलर का ऑप्शन दे रहा है, तो आप कलर वाला ऑप्शन पाइएगा। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से मिक्स का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको मिक्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। मिक्स वाले ऑप्शन में आने के बाद से आपको यहाँ से ऊपर की साइड में ये सब कलर वगैरह दिखा रहे हैं, तो आपको यहाँ से कलर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसे हटा लेते हैं। यहाँ से चौथे नंबर कलर पे आते हैं। चौथे नंबर कलर पे आने के बाद से इसे हम लोग माइनस में कर लेंगे, सेचुरेशन को और लुमिनस को भी हल्का सा। और उसके बाद से यहाँ से आएंगे पाँचवें नंबर कलर में, इसे भी हम लोग माइनस में कर लेंगे और इसे भी हम लोग माइनस में कर लेंगे और यहाँ से इसे भी हम लोग हल्का सा इतना पे रख लेंगे। उसके बाद से इसे हम लोग कम कर देंगे और इसे भी हम लोग हल्का सा इतना पे रख लेंगे और इसे हम लोग इतना पे। उसके बाद से सेचुरेशन को इसे भी हम लोग हल्का सा कम कर देंगे और इसे हम लोग हल्का सा कम। उसके बाद से इतना करने के बाद से फ्रेंड हमको करना क्या है, अभी तो यहाँ से डन कर देना है। डन कर देंगे। डन करने के बाद से आपको यहाँ से इफ़ेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो इफ़ेक्ट्स वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ टेक्सचर को आपको यहाँ से 50 कर लेना है, 50, तो यहाँ से उतना कर लेते हैं। करने के बाद से आपको क्लियरिटी को +10 कर लेना है। 10 करने के बाद से इसे हम लोग 10 कर लेते हैं क्लियरिटी को, तो 9 है 8 है, ऐसे 10 ही हमारा क्लियरिटी 10 हो जाएगा। और उसके बाद से इसे हम लोग +6 कर लेंगे। 6 करने के बाद से हल्का सा वेजनेट को इसे हम लोग माइनस में कर देंगे, डिक्रीज में कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम लोग कुछ हल्का सा कम कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से हम लोग प्लस में हल्का सा कर लेंगे और इसे भी प्लस में हम इतना पकड़ लेंगे और इसे भी। उसके बाद से यहाँ से आएंगे और इसे हम लोग हल्का हल्का प्लस में लेंगे। प्लस में लेने के बाद से इतना पकड़ने के बाद से आपको डिटेल वाला ऑप्शन पे आना है। डिटेल वाला ऑप्शन पे आने के बाद से शार्पनिंग को हल्का सा प्लस में रखेंगे। उसके बाद से यहाँ से नॉइज रिडक्शन है जो इसे हम लोग प्लस में कर लेंगे, और उसके बाद से फिर से यहाँ से इसे भी प्लस में कर लेंगे, और उसके बाद से यहाँ से हल्का सा स्मूथ को प्लस में रख लेंगे इतना पे। इतना में करने के बाद से फ्रेंड कुछ इस तरीके से हमारा फोटोज़ एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।